अम्मा का भइल? का भइल ना? तहरा के बहुत ठंडा लगत का? आवा इज्जे सुत जा लेटा। हाँ हाँ रतन रतन का भइल भैया? जल्दी से डॉक्टर के बुला के ले आओ। जाता नहीं। झुमा कपड़ा तू अपन कपड़ा जल्दी से बदल ला, न तो ठंडा लग जाई। झुमा हमार बात मान ला। झुमा मरीज को अपनी बाहों में देकर फिर जब उसकी गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जाए। आखिरी इलाज है। आइडिया चौधरी ओकरा के ई तरह से प्रेशर देवे से कोनो लाभ ना हुई। डर के मारे चुप हो गई बिया। ई कुछ बोली कैसे? अगर ई बात ना कर पाई तो हम कुछ जान ही ना पाए। ठीक बा, एकरा के थोड़ा ठीक होए दा। जो पूछे के होई ओकरा बात पूछ लिया। रउआ खुद सोच के देखी एगो कुमारी लड़की के जीवन में ये कितना बड़ा कलंक बा। भैया जब घर में जवान लड़का के घुसे ले रहला तब इस सब बात के ध्यान न रहे? का बोला तारू? यह संभव बा? ना ना, अरुण ही काम ना कर सकेला। हमके ना पता तू लोग अरुण के साथ का करबा। बाकी हम उस शैतान के ना छोड़ब। का भइल बा? अरुण का कहले बा? का कहले बा? तहार गुणवान बेटा तो सामने खड़ा बा। ऐसे पूछा तो झुमा के साथ एकर का रिश्ता बा? बोले का चाहता रू तू? हम ना डॉक्टर की रिपोर्ट कहता। डॉक्टर की रिपोर्ट मतलब? मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक झुमा माई बने वाली बिया और ओकर जिम्मेदार तहारी बेटा बा। ना मा 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 महमदार महमदार पाँव छू के बोले थे माँ इस सब झूठ बा। हम कोनो अन्याय नहीं कैले, कोनो पाप नहीं कैले। झुमा के माथा पे जे कलंक इतना बड़ा बोझ चपले बा हमरा हाथ से ना बचियो।